नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और विवेक गुप्ता, आपका स्वागत है एमबीबीएस काउंसलर बोथ इंडियन अब्रॉड और उसके ऊपर करियर काउंसलर। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्पेशली एक आपको चीज़ बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग फिर से बहुत जगह सेमिनार हो रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, आपको बहुत फ़ोन आते होंगे रिगार्डिंग नेपाल एडमिशन्स। और हमने भी एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स इन फ्यू कॉलेजेस, और फिर से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। और जो आप नेपाल के लिए सुनेंगे ना, यही लागू होता है जब हम इंडिया में भी एनी नेगोशिएटेड सीट की हम बात करते हैं। तो मैं फिर से, चलो उसका अलग वीडियो बना दूंगा कि नेगोशिएटेड फीस का मतलब क्या है, और यहाँ पर भी बनाऊंगा, ठीक है। पहले नेपाल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो जो गुरु मंत्र है वो आपको दूंगा मैं। पहली लाइन, ठीक ठाक कुछ नहीं है इन्होंने, आप जैसे हम जानते हैं इंडिया में जैसा अपने नीट दिया, वैसे ही नेपाल का एक एग्जाम होता है, ठीक है। और जिसकी वेबसाइट है entrance.mac.government.np। सब कैटेगरी वन फॉरेन स्टूडेंट जो अपीयर करना चाहते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए, डबल अमाउंट। बेसिकली 2 जुलाई तक अगर हम फॉर्म भर देंगे, 2 जुलाई तक, तो हमारा 5,000 इंडियन रुपीज जाता है। उसके बाद 9 जुलाई तक का डेट है, तो 10,000 जाएगा। अगर हम फॉर्म नहीं भरना चाहते तो फिर हम 24 जुलाई और 31 जुलाई तक भी दे सकते हैं। तो आप में से कई लोगों को भाई मैसेज आ रहा है कि अगर आप इंडिया में नीट क्वालिफाइड हो जनरल, तो आपको फॉर्म तो भरना है लेकिन पेपर देने की जरूरत नहीं है, राइट। बट आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप नेपाल के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो समय निकाल के 17 अगस्त का पेपर देकर आइएगा, क्यों वो समझिएगा पूरी प्रोसेस। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम कंसल्टेंट, शायद मैं अकेला हूँगा जो आपको ये चीज़ बताएगा, तभी आप सब लोगों का प्यार मिलता है। पेपर 17 अगस्त को है एमबीबीएस का, ठीक है। बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, बाकी सब कोर्स इंडिया में मिल ही रहे हैं। जैसा कि कहा कि जब हम फॉर्म भर रहे होंगे, मुझे पूछा जाएगा क्या हम अपीयर होना चाहते हैं, क्या या हम नहीं अपीयर होना चाहते हैं। और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना कि नेपाल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो नहीं भी अपीयर होना चाहते हैं, कि आप इंडिया में नीट में जनरल क्वालिफाइड हो। तभी लिखा है ना 50 परसेंटाइल, वो भी इस साल। तो जब हम बाकी जगह बाहर जाते हैं तो 3 साल तक का नीट स्कोर चलता है, आपको मालूम होगा। पर नेपाल जाने के लिए 2024 में आपका होना ज़रूरी है क्वालिफाइड, ये हो गया पहली कंडीशन, वो भी जनरल। अब फिर से मैं कहूँगा कि क्यों, अगर आप नीट क्वालिफाइड हो भी तो भी आप कोशिश करके पेपर में बैठिए, अगर आप नेपाल को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं इवन एज ए बैकअप। क्योंकि तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल भाई, पहले इंडिया में 70 के बजट में ट्राई कीजिए, नहीं मिले तो नेपाल जाइए, राइट। अब मैं आपको ये साबित करूंगा कि क्यों ये स्टडी जरूरी है, कि आप पेपर दीजिए और 17 अगस्त में समय निकाल के बच्चे के साथ जाइए। और वंस अगेन, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वी एज ए कंपनी जो भी हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इस एंट्रेंस टेस्ट की, और मटेरियल भी आपको दिया जाएगा ताकि आप रिविजन कर सकें। जिसने भी देखिए नीट दिया है वो 80% तो प्रिपेयर्ड है ही। अब कुछ क्वेश्चन जो नेपाल पेपर में आते हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। और दूसरा ये भी सच्चाई है कि बहुत लोग जाते नहीं, तो जो भी जाएगा उसका मौका है, क्यों है समझिए, आऊँगा मैं उस पर। एलिजिबिलिटी ठक ठक ठक, फिर से पीसीएम 50% होना चाहिए। तो जिन बच्चों का 12th में पीसीएम 50% से कम है, वो ना इंडिया में नीट के लायक हो गए ना वहाँ के पेपर के लायक हो गए, ठीक है। अब ये है असली लाइन, दोज हु अपीयर इन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय मेडिकल एजुकेशन कमीशन विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ द सीट्स फेल वैकेंट इन क्लॉज बी, मैचिंग विल बी डन अमंग दोज हु हैव स्कोर 50 परसेंटाइल इन द लेटेस्ट नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, जहाँ पर हमारा नीट आता है, एंड एग्रीड ऑन द कंडीशन टू सिलेक्ट ओनली दो सीट्स विच रिमेन अनफिलफुल्ड आफ्टर अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन फ्रॉम कैटेगरी वन। अब समझिए, तो नेपाल में भी काठमांडू में उस दिन जिस दिन सीट मिलेगी, एक तरह से काउंसलिंग ही होगी, और काउंसलिंग में पहले सीट उसको मिलती है जिसके नंबर ज़्यादा हैं। इसलिए हम जैसे काउंसलर आपको ये बताते हैं कि अगर आपके 160 170 हैं इंडियन में, जैसे आप नीट क्वालिफाइड हैं, तो भी आपको मणिपाल नहीं मिलेगा, क्योंकि मणिपाल नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर उस दिन वो भी काउंसलिंग से ही मिलेगा। तो अगर आपसे ऊपर के बच्चे पहुँच गए जो लास्ट ईयर हुआ है 2023 में, और फिर वो क्लाइंट मेरे पास इस साल जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और वही मैं समझाता था अपने 2023 के वीडियोस में, फिर आप कहते हो सर ये जो आपने भी वीडियो बनाया था बुकिंग करने का, ये करने का, इसका पर्पस क्या है, जब उस दिन तो सीट काउंसलिंग से मिलनी है। वही मैं समझाने वाला हूँ, चाहे वो नेपाल हो, चाहे इंडिया में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बुकिंग का पर्पस क्या है जब सीट काउंसलिंग से ही मिलनी है, इस बात को समझिएगा। फॉरन कैंडिडेट्स हुआ सिलेक्टेड फॉर एडमिशन रिक्वायर टू प्रोड्यूस, वो सब तो बेकार नॉर्मल बातें हैं। एंट्रेंस एग्जाम फीस
8,000 नेपाली रुपी जो मोटा मोटी बनते हैं 5,000 इंडियन रुपीस, अगर आप समय से देंगे तो हमें उतने देने, नहीं तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं सबसे अपील करूंगा जो भी वीडियो सुन रहे हैं, कोशिश करके 2 जुलाई से पहले फॉर्म भरे और कैटेगरी 1 चूज कीजिए, अनलेस एंटेल आपके नीट में 300 साढ़े 300 नंबर हैं, 250 नंबर हैं। पर देखिए 300 साढ़े 300 होंगे तो आपको यूपी ही मिल जाएगा, करेक्ट, फिर आप नेपाल वैसे ही क्यों जाओगे। अगर आपके 200 सवा 200 इस साल, तो जो फिलहाल ट्रेंड है आपको यूपी हमें मिलेगा नहीं ना 300 नंबर से नीचे, जो मैंने वीडियो बनाया था, लेट से आपके 280 है फिर तो शायद आप मत जाइए, वो भी समझाऊंगा। लेकिन अगर आप 200 210 वाले हैं तो बेटर है पेपर दे के आइए और डिटेल में इस प्रोसेस को समझाऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, ये सब आएगा जब हम फॉर्म भरेंगे। फोटोग्राफ होती है, किस तरह से फोटोग्राफ चाहिए, हमें क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसे हमने नीट में किया था, और फिर से प्रोसेस चलेगा कि ईमेल पे एक मैसेज आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, एक्टिविटी टू कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन बाय एंटरिंग द रजिस्टर्ड मेल यूजर नेम, ये सब प्रोसेस है, ठीक है ना, कि रजिस्ट्रेशन कैसे भरा जाएगा। फिर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा, सेम जैसे नीट में होता है, आपको 5 डे प्रायर के एंट्रेंस टेस्ट की आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, डाउनलोड कीजिए। इनके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक नंबर सही, 0.25 गलत, तो हमारे 4 और 1 था, इन्होंने उसको 1/4 कर दिया। 3 घंटे का पेपर होगा, इन्होंने भी अपने बच्चों, क्योंकि देखिए ये पेपर तो नेपाल का बच्चा भी लेता है ना नेपाल के उसके लिए, और कैंडिडेट्स खुद ही आप ट्रैवल कीजिए भाई, जो आप हम सब जानते हैं नेपाल में वीज़ा फ्री एंट्री है, सिर्फ आप आधार कार्ड लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं, पासपोर्ट हो तो अच्छा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आफ्टर मैचिंग एडमिशन पे कन्फ्यूज मत होइए, जैसा हमने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, पासपोर्ट ई आधार कार्ड होना चाहिए अपने पास, ठीक है, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें आ रही हैं। ये आपको जो पूरा 7 पेज का वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी, जो सरकारी वेबसाइट है mec.gov.np। आप समझिए कि सर आप, तो मैं पापर आप लोगों को कहता हूँ, नेपाल में लाइक इंडिया, देखिए इंडिया में जब स्टार्ट हुई काउंसलिंग आज से 1 महीना पहले, काउंसलिंग नहीं मतलब गर्माहट जिसे कहते हैं, स्टार्ट हो गई थी, रिजल्ट तो 5 अभी जून में है, 4 जून को, बट जैसे 5 मई को पेपर हुआ, हम हमेशा जानते हैं एमपी में एनआरआई सीट्स बुक होनी शुरू हो गई, और काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा था, मतलब कोई भी एक कॉलेज जिसका फीस स्ट्रक्चर वैसे बहुत ज़्यादा था वो हमें बहुत कम रेट पे मिल रहा था। आज की मैं बात करूँ, एज वी स्टैंड ऑन 10th मतलब 12th जून, 13 जून, वो जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? देखिए लाला जी की एक दिक्कत है, या नेपाल की कॉलेज की, क्योंकि हम उनके एनआरआई सीट में जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि मेरे कॉलेज का रिस्पांस कैसा रहे, सेम नेपाल कॉलेज का हाल है अदर देन मणिपाल एंड सीएमएस भरतपुर। उनका नेपाल के द्वारा जो तय की गई फीस है वो है $75,000, मतलब कि आज की डेट में 62 लाख। अब लेट्स से काठमांडू मेडिकल कॉलेज या लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, वो चाहता है कि प्रायोरिटी पे बच्चे मेरे कॉलेज को ले, तो आप जो हमने भी आपको ऑफर किया था कि भाई 5 लाख 8 लाख फीस का डिस्काउंट है, एक आध कॉलेज तो 12 लाख का भी डिस्काउंट दे रहा है, करेक्ट, और वो अपने कमिटमेंट को ऑनर करेगा, ये शायद आपने जिसके भी थ्रू करा है वो कमिटमेंट को ऑनर करेगा, बशर्ते काउंसलिंग वाले दिन आपको सीट एलोकेट हो। तो नेपाल वाले काउंसलिंग के दिन सेम काउंसलिंग चल रहा होगा, आपने अगर लुम्बिनी बुक कर रखा है या नोबल बुक कर रखा है, और आप जब काउंसलिंग के टेस्ट पे पहुंचेंगे, शायद उस समय मणिपाल भी अवेलेबल होगा, शायद उस समय चितवन भी अवेलेबल होगा, बट आपका काम है कि आप लुम्बिनी ही बोलो, और लुम्बिनी आपको मिल जाएगा, और जो आपने पहले फीस तय की थी उस फीस पे आपको मिल जाएगा, तो आपके पैसे बच गए, राइट। यही पर्पस होता है कि हम सीट बुक करते हैं। लेकिन अगर काउंसलिंग वाले दिन आपसे ऊपर इंडियंस पहुंच गए डायरेक्टली पेपर दे के, बिना किसी कंसल्टेंट के फॉर्म भर के पेपर दिया, या नीट में उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है, तो पहले सीट उनको मिलेगी, ये बात सच है कि उनको डिस्काउंट ही मिलेगा, बट लेट से आप इंडिया से खाली रह गए, आपको अभी हॉस्टल में से चलो पैसे छोड़ देते हैं, वो तो सबके लिए स्टैंडर्ड है, आपको पूरे 62 लाख देने पड़ेंगे समझ लें लुंगली के, आज आपने बुकिंग की थी आपको शायद 52 लाख देने पड़ते, 10 लाख का डिस्काउंट था, पर जो पहुंच गया, जो खाली है, डेस्परेट है, इंडियन काउंसलिंग खत्म होने के बाद नेपाली काउंसलिंग होगी, तो वो सीट ले जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
और कोशिश कीजिए कि आप बुकिंग तो करवाइए, अगर आपको अभी भी डिस्काउंट चाहिए, पर नेपाल का पेपर दीजिए। तो अगर आप अश्योर सीट चाहते हैं किसी कॉलेज में तो आप नेपाल का पेपर दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में भी ऐसा होगा कि एनआरआई सीट के लिए भी पहले नेपाल के पेपर की मेरिट लिस्ट एग्जॉस्ट की जाएगी, ख़त्म की जाएगी, जैसा कि राजस्थान इवन राउंड 3 में होता है ना, जब हम अलाउड भी हो जाते हैं राजस्थान में एंट्री करने के लिए फॉर काउंसलिंग, तो राउंड 3 में भी पहली चॉइस राजस्थानी को दी जाती है। इसलिए राउंड 3 ऑफलाइन जो राजस्थान की थी 2023 तक, अब 24 में पता नहीं क्या होगा, वो 9 दिन चलती है, क्योंकि पहले 7 दिन अभी भी जो समय है वो राजस्थान डोमिसाइल को दिया जाता है। तो राजस्थान के भी भूले भटके बच्चे जो ऑल इंडिया 3 राउंड तक, बाकी सारे स्टेट्स के राउंड 2 तक, राजस्थान के राउंड 2 तक चेक कर चुके होते हैं कि हमें कोई सस्ता कॉलेज मिल जाए, वो फाइनली राउंड 3 में आकर भी आपसे पहले सीट ले लेते हैं, राइट। तो नेपाल में भी कोशिश की जाती है, कंसल्टेंट्स कोशिश करते हैं कि भैया जिसके लिए बुकिंग की गई है उसको ऑनर किया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, सारे पेपर लेके फुल फी देने को एक क्लाइंट तैयार है तो फिर तो उसको सीट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। जबकि कॉलेज और अच्छा कंसल्टेंट कोशिश करेगा कि नहीं भैया वो सीट ना ले, और चाहे 10 लाख रुपए जो डिस्काउंट आपको दिया गया था, स्कॉलरशिप दी गई थी, उस बच्चे को सीट मिले, बट जैसा कि मैंने कहा फुल फी देने वाला आ गया तो आप क्या ही कर लोगे, राइट। सिमिलरली हम इस समय आपको हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगे मैसेज आने कि पुदुचेरी और तमिलनाडु की डीम यूनिवर्सिटी सस्ते रेट पे मिल रही हैं 10-15 लाख के डिस्काउंट में, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स कम रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है, पर इस साल को देखते हुए क्या पता पहले राउंड में ही सारे फुल फी देने वाले भारत और सत्यासाई भर दें, तो फुल फी देने को तैयार है। एमसीसी काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, अलोकेट हो गया, वहाँ डीडी लेके पहुँच गए, अब एमसीसी काउंसिल में तो कोई कोई बैंक गारंटी वगैरह भी नहीं चाहिए, तो आपको जो डिस्काउंट के साथ कमिटमेंट की गई थी वो भी फुलफिल होने की गारंटी नहीं है जब आप एक कॉलेज को लेकर ही चलते हैं। और तभी मैंने कोई एक और वीडियो बनाया था कि इंडियन कॉन्टेस्ट में भी कंसल्टेंट्स का ये काम होता है, और हम ये समझाते हैं कि एक के बदले आप 2-3 कॉलेज को लेकर चलिए, और उसके लिए हम बुकिंग करते हैं। हम ये कहते हैं कि सर आपको भारत नहीं तो सत्यासाई नहीं तो आरूपड्डू में फिट कर देंगे, जहाँ पर भी उस दिन हमको सीट मिल जाएगी और हमको डिस्काउंट मिल रहा होगा उस दिन तक भी। बट इसके अलावा ये पॉसिबल है कि ऐसा ना हो तो नेपाल में भी उस दिन यही होगा, तो कोशिश कीजिए कि आप 17 अगस्त का पेपर दीजिए, राइट। चाहे आपके नीट में 250 नंबर भी हैं, क्योंकि तो नेपाल के पेपर में समझाने लगे कह रहा हूँ कि 200 में के पेपर में आपके 80 नंबर भी हैं, अगर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें तो नीट स्कोर ज़्यादा है, लेकिन पहली सीट तो उसको मिलेगी ना, जैसे नेपाल का पेपर दिया है, और डिस्काउंट आपका ऑनर हो जाएगा जो फिलहाल आपने हमारे थ्रू या किसी और अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू तय कर रखा है। सो ये है पूरी कहानी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पेपर प्लस ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपको देनी है उसका एक एक्स अमाउंट है। जनरली नेपाल में स्टार्ट करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों के मिक्स के लिए मिनिमम 50,000 रुपये ले रहे हैं, जिसमें 25,000 रुपये नेपाल में भेजे जाते हैं और 25,000 रुपये हमारी सर्विस फीस है। हमारी टोटल नेपाल के लिए 50,000 फीस है, बाकी तो जो भी है वो आप आगे कॉलेज में देते हैं, और स्कॉलरशिप भी मैंने आपको अब समझा दिया, तो जिसको स्कॉलरशिप भी मिल रही है चाहे हमारे थ्रू चाहे किसी और कंसल्टेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, उसने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, आप ये पेपर जरूर देकर आइए। ये पेपर देने की वजह से आपको जो कमिटमेंट दी गई है वो भी फुलफिल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, या ऑलमोस्ट वो कन्फर्म हो जाएगी, स्पेशली फॉर द टॉप 3 कॉलेजेस लाइक चितवन और काठमांडू, मणिपाल और CMS, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपने पेपर दिया है, ये भी हो सकता है कि आपका नंबर बीपी कोराला के NRI सीट में, या जो नेपाली आर्मी का कॉलेज है, जो रियली नेपाल के टॉप 3-4 कॉलेज है, उसमें भी आ जाए, उसमें भी आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी, विच इज अगेन इक्वल टू मणिपाल, तो आप वो भी ट्राई मार सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि जो भी नेपाल को देखिए लेकर चल रहा है, अगर आप नेपाल को लेकर चल रहे हैं सीरियसली, तो आप हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया का आपका बजट है ही नहीं, तो पहली बात यह है कि नेपाल के साथ आप जरूर फिर एक अदर फॉरेन कंट्री को भी साथ लेके चलिए, उसका भी चाहे एडमिशन करा के लेटर लेके साथ रखिए, चाहे वहाँ भी ज्वाइन मत कीजिएगा, एटलीस्ट जब तक आपका नेपाल का रिजल्ट ना आ जाए इस एग्जाम का, फिर एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको सीट मिलने के वहाँ कितने चांस हैं। तो जो आपको कंफर्म एडमिशन देने की बात कर रहा है उसे जरूर ये वीडियो सुना के पूछिएगा कि सर आर यू गारंटी मी, क्योंकि जैसा मैंने कहा जो हमारे थ्रू जाते हैं उन्हें तो हम सब समझाते थे, बिना हमारे थ्रू जो बेचारे लास्ट ईयर गए उनमें से काफ़ी खाली हाथ लौट के आए, और उनका साल भी ख़राब हो गया, जब तक वो गए तब तक इवन रशिया वगैरह में भी एडमिशन ख़त्म हो गए थे, और डेफिनेटली जो जैन इनटेक था 2024 का उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में, फिर वो बच्चे वहाँ शायद चले गए, वही मैंने बोला कि यू कैन हैव अ सुपर बैकअप, और नेपाल ही जाना चाहते हैं, बजट भी आपके पास है, नेपाल के बहुत एडवांटेजेस हैं,
चाहे वो साल बचाना हो, चाहे लैंग्वेज और फूड का कंफर्ट हो, इस एग्जाम को जरूर दीजिए। ओके, और हमसे संपर्क करना चाहे आप जानते ही हैं, 9643362320। MBBS अब्रॉड के लिए हमारा फ्लैट सर्विस चार्ज है 50,000 रुपये, आप किसी भी कंट्री में जाएं। उसके अलावा जो एक्चुअल खर्चे हैं, वीज़ा वगैरह, वो सब आपके अपने होते हैं। नेपाल में जो भी कोई वीज़ा वगैरह होता नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। उसके अलावा जो भी आप पैसा देंगे, वो सारे का सारा कॉलेजेस में ही जाता है। जैसा मैंने कहा, नेपाल के लिए फ़िलहाल ये जो एग्ज़ाम की फ़ीस है प्लस जो ऑनलाइन कोचिंग है उसका 25,000 रुपये टोटल है, 10 प्लस 15,000। और इसके अलावा आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप जाइए। तो इस समय भी आप बुकिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। ओके, इस एग्ज़ाम में आप फेल हो भी गए और नीट में पास हो तो भी आप एलिजिबल हो नेपाल जाने के लिए। इंडिया के नेपाल में, इंडिया में अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड थे तब तो आपको पेपर देना ही देना है, और इंडिया में अगर आप नीट फेल हो तो मत जाइए, फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। कई लोग ये भी डाउट रहते हैं, सर हम इंडिया में नीट फेल ही हैं तो फिर भी क्या है, नेपाल का पेपर देके हमारा काम चल जाएगा। देखिए, आपको नेपाल में एडमिशन तो मिल जाएगा जो कि आपने पेपर दिया MBC का, लेकिन फिर आप जो इंडिया का जो रूल है कि वापस आके जो आपको इंडिया के FMGA नेक्स्ट में बैठना है वो आप नहीं बैठ पाओगे। तो कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो वो ये है कि आपको इंडिया में अगर कभी भी वापस आना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप नीट क्वालिफाई थे किसी भी कंट्री जाने में, जाने के लिए। और नेपाल जाने के लिए ये नेपाल का रूल है कि यू हैव टू बी जनरल मार्क्स क्वालिफाइड, समझे। वंस अगेन, 9643362320। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।